हेलो स्टूडेंट, आज के हमारे इस लेक्चर में हम एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने की ट्रिक सीख रहे हैं कि किस तरह से हम बिना इस फॉर्मूले को यूज़ किए भी डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, एवरेज एटॉमिक मास का प्रॉपर फार्मूला आपको बताइए, प्रॉपर मेथड इसका फार्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास का m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई x1 प्लस x2, जहाँ पर m1 m2 आइसोटॉप्स के मास नंबर होते हैं और x1 एंड x2 उनका परसेंटेज अबेंडेंस होता है। अब आप चाहते हैं कि हम इस फॉर्मूले का यूज़ ना करें और इस फॉर्मूले को यूज़ ना करते हुए भी हमारे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आ जाए, तो किस तरह से करना है, ट्रिक क्या है, कैलकुलेशन किस तरह से करी जाएगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ये यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ दो तीन क्वेश्चन लिख रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। एलिमेंट ए लिया हमने, इसके दो आइसोटॉप्स हैं जिनका मास नंबर 30 और 32 हैं, जिनका परसेंटेज अवेयरनेस क्वेश्चन में गिवन है 50-50% दोनों का गिवन है, और हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। तो जब भी आप कैलकुलेशन को स्टार्ट करें, एवरेज एटॉमिक मास की कैलकुलेशन जब भी दी जाती है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन में आइसोटॉप्स गिवन है इन दोनों के मास नंबर का एवरेज ले लीजिए। तो यहाँ से देखिए, एक का मास नंबर 30 है, दूसरे का मास नंबर 32 गिवन है, तो यहाँ से 30 + 32/2 दोनों का एवरेज ले लीजिए, तो 62/2 = कितना आ गया है, 31। क्या करना है, सबसे पहले दोनों के मास नंबर का एवरेज आप लेंगे। अब आपको देखना है परसेंटेज कितना गिवन है, तो यहाँ पर देखिए, दोनों आइसोटोप का परसेंटेज आपको गिवन है 50-50%। यदि दोनों का इक्वल परसेंट है, तो देन उसका उस कंडीशन में आपका आंसर वही होगा जो आपने एवरेज कैलकुलेट किया है, तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 31। तो यहाँ पर हमें कहीं इस फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्टली एवरेज ले लिया, एवरेज लेते ही हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो हो गया जब हमें 50-50% क्वेश्चन के अंदर अबेंडेंस गिवन थी। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, जिसके अंदर हमारे पास हमें क्वेश्चन में दोनों की परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट गिवन है। इस बार 50-50 नहीं होकर के कितना गिवन है, एक का 20 और दूसरे का 80। करना क्या है, अभी भी आप सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज ही कैलकुलेट करेंगे। इसका मास नंबर देखिए, बोरोन दो आइसोटॉप्स गिवन है, बोरोन 10 एंड बोरोन 11। तो सबसे पहले आपको बताया, दोनों के मास नंबर का एवरेज लीजिए। इसका मास नंबर 10 गिवन है और इसका मास नंबर आपको 11 गिवन है। तो एवरेज आपने कैलकुलेट किया सबसे पहले, तो 10 + 11/2, तो यहाँ से एवरेज कैलकुलेट करिए, 21/2 कितना आ गया, ये 10.5। तो क्या क्या हमने हमारे इस कैलकुलेशन पार्ट के अंदर, सबसे पहले देखिए हमने कैलकुलेट क्या किया, एवरेज कैलकुलेट कर लिया, एवरेज आ गया हमारा 10.5। अब यदि दोनों का परसेंटेज 50-50 होता तो हमारा आंसर क्या चला जाता, 10.5। लेकिन इस बार देखिए आप, एक का परसेंटेज 20 है, दूसरे का परसेंटेज 80 है। तो अब किस तरह से करना है, तो हमेशा ध्यान रखें, जिसका परसेंटेज ज़्यादा है उसे देखिए आप। तो आइसोटॉप हैविंग मास नंबर 11, इसका आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, 80%। अब आपका आंसर आएगा, जो आपने एवरेज कैलकुलेट किया है, कितना आया था एवरेज, 10.5, और जिसका परसेंटेज ज़्यादा है उसके मास नंबर को देखिए, 11। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो इस 10.5 और 11 के बीच में होगा। तो चेक करते हैं हमारे ऑप्शन, तो 10.5 और 11 के बीच का एक ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, और वो है हमारा आंसर 10.8। ध्यान रहे, मैं आपको ये ट्रिक इसलिए सिखा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में जब भी ऑप्शन दिए जाते हैं वो हमेशा कुछ इसी तरह से ही दिए जाते हैं। आप चाहें तो इस ट्रिक को प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस के ऊपर ट्राई करके देखिए, सभी क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन इसी तरह से डिज़ाइन किए हुए मिलेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन पर इसे अप्लाई करके देखते हैं। क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स गिवन है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। यहाँ पर भी इस बार परसेंटेज आपको कितना डिफरेंट डिफरेंट गिवन है, एक का 75% है और दूसरे का 25% है। क्या बताया, फॉर्मूले में वैल्यू नहीं पुट करेंगे हम, डायरेक्टली सबसे पहले क्या कैलकुलेट करिए, एवरेज कैलकुलेट करिए दोनों के मास का। दोनों के मास नंबर का आपने एवरेज कैलकुलेट किया, ये एवरेज आ रहा है 35 + 37/2। तो 35 + 37/2 कितना हो गया, ये टोटल आ गया 72/2, 36। तो एवरेज आ गया है 36। तो यहाँ से आप देखिए, आपका आंसर 36 कब होता, जब दोनों के कितने परसेंट होते हैं, 50 और 50% होते हैं। लेकिन अब हमने कहा दोनों का परसेंटेज अलग अलग है, तो आपको देखना क्या है कि परसेंटेज ज़्यादा किसका है।
तो यहाँ से देखिए, आइसोटॉप हैविंग मास नंबर 35, इसका परसेंटेज कितना गिवन है आपको, 75%। क्या बताया आंसर निकालने का तरीका, आपका एवरेज कितना है 36, और जिसका परसेंटेज अवेयरनेस ज़्यादा है उसका मास नंबर कितना है 35। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 35 और 36 के बीच का होगा। ऑप्शन चेक करिए, इन ऑप्शन के अंदर आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है 35 और 36 के बीच का ऑप्शन, कौन सा है, 35.5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन्हें हम बिना प्रॉपर फॉर्मूले के यूज़ किए भी कर सकते हैं। ट्राई करिए आप इस ट्रिक को डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पर, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उन पर इसे ट्राई कर सकते हैं। होप ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।